फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं अमरूद के प्लांट से अमरूद हार्वेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा है और मेरे अमरूद का जो फ्रूट है उसने कलर चेंज कर लिया है। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इस फ्रूट का रिव्यू मैं अपने फादर के साथ आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। मैं हूँ जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। फ्रेंड्स, हम सभी लोगों के यहाँ फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं और उनमें से समय समय पर फ्रूट लगते रहते हैं और हार्वेस्टिंग भी चलती रहती है। आज अमरूद के मेरे इस प्लांट में बहुत सारे अमरूद पके हुए हैं और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये अमरूद किस टाइप का सर्दियों में हो जाता है। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी में जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से पहुँच सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अमरूद किस टाइप का हो गया है। ये देखिए पूरा पिंक टाइप का हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रूट। मैं और भी फ्रूट दिखाऊंगा। ये सर्दियों में हो जाता है जब ये ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो देख लीजिए। और ये ओरिजिनल ताइवान पिंक का पौधा है। जैसे इलाहाबाद सुर्खा हो जाता ना ऊपर से पूरा लाल, तो वैसे ही ये अमरूद लाल हो गया है। ये देखिए दूसरा फ्रूट आपको मैं दिखाना चाहूंगा, पूरा लाल हो गया है ऊपर से। अब आपको रिव्यू में मैं दिखाऊंगा काट के कि इसमें लाल अंदर है या नहीं है। बहुत सारे फ्रूट देखिए यहाँ पर ये लाल कलर के हो गए हैं। बहुत लोगों की अगर पत्तियां पौधे की अगर जो है लाल कलर की हो जाए, जैसे ये देखिए, तो घबराने की बात नहीं होती है। ये सर्दी के कारण ऐसा होता है, ये ज्यादा पाला पड़ता है तो पौधा जो है ऐसा बिहेव करता है। कभी कभी पूरे पौधे की पत्तियां लाल कलर की हो जाती है। देखिए ये पौधे की पत्तियां जली नहीं है, ये देखिए लाल हो गई। यहां दिखाइए जरा पास से। और इसमें बहुत सारे अमरूद देखिए मैच्योर हो चुके हैं। ये देखिए बहुत सारे अमरूद जो है मैच्योर हो चुके हैं। और इसी टाइप से होता है फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ भी अमरूद के पौधे में या कोई भी फलदार पौधा है और उसमें अगर फल मेच्योर हो रहे हैं तो उनको टाइम से तोड़ लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे फल लगे हुए हैं ना, ये बड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये गमले में या ग्रो बैग में आपके यहाँ लगे होंगे। मेरे यहाँ फिलहाल ये 18x18 में लगे हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं ये अब छोटे हैं। अगर मैं बड़े फल नहीं तोड़ूंगा तो ये इसी कंडीशन में रह जाएंगे, छोटे पर ही पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर फ्रूट लगा हुआ मैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि काफी अमरूद इसमें पक चुके हैं और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया। जैसे इलाहाबाद सुर्खा होता है अमरूद, उसी टाइप से हो गया है। और ये वैरायटी ताइवान पिंक है, बहुत ही बेहतरीन कमर्शियल वैरायटी है और छोटे से ही फलन देने लगती है। और कह सकता हूँ कि जब मैंने इस प्लांट का प्लांटेशन किया था उसके 6 महीने बाद से ही लगातार मुझे इस अमरूद के प्लांट से फल मिलने लगे हैं। अगर आपको ओरिजिनल ताइवान पिंक का पौधा मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि अक्सर लोग धोखा देते हैं नर्सरी वाले और गलत पौधा दे देते हैं। क्योंकि लाल अमरूद बहुत सारे होते हैं जिनका पल्प लाल होता है, लेकिन ये जो ताइवान पिंक है बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। तो इसका प्लांटेशन मैंने किया था और ये पौधा आप जान सकते हैं कि ओरिजिनल है। तो इसकी हार्वेस्टिंग अब स्टार्ट करते हैं। आज अपने फ्रूट प्लांट से फ्रूट हार्वेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं अपनी छत पर काफ़ी पौधे लगाया हुआ हूं और मैं अकेले इन पौधों की देखभाल नहीं करता हूं, और मेरे पिताजी काफ़ी योगदान करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर समय मैं बाहर रहता हूं तो ज़्यादातर मेरे पौधे की देखरेख मेरे पिताजी करते हैं। तो आप लोगों को अपने पिताजी से मिलवाता हूं। तो ये पिताजी हैं हमारे। सभी लोगों को नमस्कार। तो काफ़ी गार्डन में हमारी मदद करते हैं, जैसे पानी देना है, पौधे की गुड़ाई निराई करना है। तो गार्डनिंग काफ़ी अपने आप में एक मायने रखती है। जो लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं या फिर खाली समय रहता है तो वो गार्डन में अपने कुछ पौधे लगाकर टाइम पास कर सकते हैं। क्योंकि मैं पूरे समय अपने घर पे नहीं रहता, क्योंकि मेरा भी अपना काम है, तो हमारे पिताजी काफ़ी समय देते हैं गार्डन में। जैसे दिन में है देखरेख करते हैं, गुड़ाई है निराई है, पौधे की देखरेख करते हैं। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। आप समय पास हो जाता है। अच्छा, समय पास हो जाता है। तो कौन कौन से पौधे आपको पसंद हैं इसमें से फल वाले जो हमने लगा रखे हैं? हाँ, अमरूद का है, यहाँ एप्पल बेर लगा हुआ है, चीकू है। अच्छा, अनार है। अच्छा, काफी पौधे हैं। काफी पौधे हैं। अच्छा, तो हार्वेस्टिंग करिए कुछ फल की जिनको आपको तोड़ना है। तो कुछ फल तोड़िए आप भी, मैं भी तोड़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, तो मैं इस फ्रूट को यहाँ से तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये फ्रूट रखा जा रहा है और ये देखिए कितना सुंदर फ्रूट है। ये सब ग्रो बैग में गमले में लगे हुए अमरूद हैं। ये देखिए, अब ये देखिए ये अमरूद पक चुका है और पूरा ऊपर से लाल हो गया। फिलहाल ये लाल हमेशा नहीं होता, पिछले साल लाल नहीं हुआ था। तो हाँ, ये तोड़ रहा हूँ इसको। अच्छा अच्छा, और भी तोड़ लीजिए जो लगे हैं पके हुए अमरूद। हाँ। ये पक चुका है। हाँ, तोड़ लीजिए इसको।
अब मैं जो है एक अमरूद जो है काट के आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या ये अंदर से लाल है या नहीं है, है ना। इसका रिव्यू दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये बाहर तो लाल हो गया, फिलहाल ये हर साल बाहर से लाल नहीं होता है, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये देखिए पास से बिल्कुल कि ये अंदर से लाल है या नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर पर काफी कुछ डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए दिल खुश हो जाएगा दोस्तों देख के अमरूद का। ये देखिए कितना खूबसूरत है, और ये है ताइवान पिंक वैरायटी, और काफी है मीठा होता है। तो पिताजी खा के बताइए ये कैसा है हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को। बहुत मीठा है, झूठ तो नहीं बोलना, खट्टा तो नहीं है? नहीं नहीं बहुत मीठा है, झूठ नहीं बोले, मैं भी खा के देखूं क्या, बहुत मीठा है। अच्छा अच्छा, तो इसमें फल जो है कितनी बार आए थे, गर्मी में आए थे कि नहीं आए थे? हाँ गर्मी में आया था, गर्मी में इसमें फल आया था, गर्मी से भी ज्यादा इसमें आया अभी। अच्छा सर्दी में मिठास ज्यादा है कि गर्मी में ज्यादा मिठास? नहीं अभी सर्दी वाला ज्यादा मिठास है, सर्दी वाला ज्यादा मीठा है, ज्यादा मीठा। अच्छा तो फ्रेंड्स पिताजी बता रहे हैं हमारे कि सर्दियों में ये जो अमरूद है ज्यादा मीठा होता है। अब लोग कहते हैं कि गर्मियों में कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि पिताजी हमारे बताएंगे कि कीड़े से बचाने के लिए क्या करते हैं उपाय, जरा बताइए। हाँ कीड़े बचाने के लिए पन्नी में छेद करके इसको बांध के रखते हैं, बैगिंग करते हैं। बैगिंग से क्या होता है कि जो कीट मकोड़े होते हैं अमरूद को हार्म नहीं पहुंचा पाते, और चिड़िया भी नहीं खाए, चिड़िया भी नहीं खाती हैं, और जब बैगिंग हो जाए तो चिड़िया नहीं खाती, बंदरों से भी बच जाता है, और बंदर देख के डर जाते हैं कि क्या बना पता नहीं, बंदर आते हैं कि नहीं हमारे यहाँ? आप बंदर आते हैं लेकिन इसको पीने के बाद नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा, बंदर भी हमारे यहाँ आते हैं, कभी कभी खा भी जाते हैं। अब चूंकि गार्डनिंग करना है शौक है, तो देखिए इतने सारे फ्रूट हार्वेस्ट कर लिए, अभी देखिए बहुत सारे बाकी बचे हुए हैं, ऐसा नहीं कि अमरूद खत्म हो गए, देखिए इसमें हमेशा अमरूद मिलते रहते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वास्तव में काफी मीठा अमरूद है और टेस्टी अमरूद है। तो इसका प्लांटेशन इसीलिए मैंने किया था, मेरे पास अमरूद की और भी वैरायटी है, ताइवान पिंक तो आप देख ही चुके हैं, इसके अलावा हिसार सफेदा है जिसका फ्रूट अभी कुछ दिनों के बाद बड़ा हो जाएगा और हार्वेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, और मेरे पास रेड डायमंड गुआवा भी है। हर साल अमरूद की काफ़ी नई नई वैरायटी आती है, उसी में से रेड डायमंड गुआवा भी जल्दी आया था, और वाइट डायमंड गुआवा भी आ चुका है, और मैंने सुना है कि ब्लैक डायमंड गुआवा भी आया है। तो अभी उसका प्लांट मेरे पास नहीं है, लेकिन जब कोई नई वैरायटी आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वैरायटी के बारे में जानकारी दूँ, ताकि आप लोग उसका प्लांटेशन कर सकें। फ्रेंड्स आज के इस गार्डनिंग ब्लॉग में आपको क्या क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा रिव्यू कैसा लगा ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को अगर ये गार्डनिंग का ब्लॉग अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में, सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।